एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज की इस ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है एंड आज का ब्लॉग होने वाला है स्पेशल। गाइस, जो लोग भी अपने बालों से प्यार करते हैं उनके लिए ये वाला ब्लॉग है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने आज हेयर वॉश करा है। आज मतलब जनरली मैं वीक में 2 या 3 बार करती हूँ, तो आज मैंने हेयर वॉश करा है। एंड जब मैं वॉश करी थी तब मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दी आप अपने हेयर केयर पर वो बताइए, तो आज तो हेयर केयर का तो नहीं बता रही मैं, बट बहुत लोग ये भी जानना चाहते थे कि मेरा बाल स्ट्रेट है या मैंने स्ट्रेट कराया है, या बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैं सोची कि चलो आज मैं बताती हूँ कि मैंने स्ट्रेट कराया है या नेचुरल स्ट्रेट है, या मैं क्या यूज़ करती हूँ अपने बालों को स्ट्रेट रखने के लिए। तो बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। तो मेरे बाल मैं जब छोटी थी तब से थोड़े थोड़े स्ट्रेट तो क्या स्मूथ थे और सिल्की थे, तो उसकी वजह से बहुत स्ट्रेट लगते थे मेरे बाल, तो थोड़े स्ट्रेट ही थे। एंड फिर क्या हुआ, बेबी होने के बाद, उस प्रेगनेंसी से लेकर के बेबी डिलीवर करने के बाद तक मैं कुछ महीने तक घर में ही रहती थी। तो जब मैं घर में रहती थी तो मैं जनरली अपने बालों को जूड़ा बनाती थी, तो मैं जूड़ा बनाती थी, उसकी वजह से मेरे बाल हो गए थे ऐसे रफ से कर्ली कर्ली, अजीब गरीब हो गए थे ऐसे जूड़ा की वजह से। फिर मैं भी 1 साल के करीब तक घर में ही थी, मतलब बेबी होने के 5-6 महीने तक मैंने कराया था, 5th मंथ बेबी होने के 4-5 महीने तक मैं घर में ही थी, तो मैं उसके बाद भी घर में, और 9 महीने तो मैं घर में ही थी। थोड़े बहुत दिन मैं कभी फंक्शन वगैरह में बाहर जाती होती थी या कुछ था तो अपने आप को पैम्पर करने के लिए बाहर जाओ। एंड स्कूल था मेरा, तो मेरे पापा का, तो मैं स्कूल में कभी कभी जाती होती थी। एंड फिर क्या हुआ कि मेरे बाल हो चुके थे रफ, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़े थोड़े तो मेरे को मौका भी मिल गया था जब मेरे बाल थोड़े बहुत रफ हो गए थे, और स्मूथनिंग के बाद स्ट्रेट करने के बाद तो बाल वैसे ही बहुत सिल्की सिल्की होते हैं। जब मैं देखती थी ऐसे पोनी किया हुआ तो ऐसे स्ट्रेट ही बाल रहते होते थे। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मैं सोच रही हूँ, लेकिन तब लोचा था लड्डू का, तो फिर मैं उसको ही लेकर के, और अब मेरे घर में एक कुक आते हैं भैया, मतलब बड़े भैया, उनकी बेटी को लेकर के मैं गई थी पार्लर। एंड वहाँ पे जब मैं गई तो लड्डू को मैं साथ लेकर के ही गई थी, क्योंकि 5 से 6 महीने का होता है, 6 घंटे का होता है, महीने का नहीं, 5 से 6 घंटे का वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें स्मूथनिंग की जाती है। तो उसमें लड्डू को मैं लेके गई थी, क्योंकि मैं खुद फीडिंग करती थी, अभी तक करती हूँ, बट उस टाइम वो सिर्फ मेरे पे ही डिपेंडेंट था, तो मुझ पे डिपेंडेंट होने की वजह से मुझे उसको फीड करना पड़ता था, तो मैं उसे लेके गई थी। लेके गई तो मैं, उन लोगों ने मेरे बाल को ट्रीट किया एंड स्ट्रेट कर दिया। 6 घंटे लगे कंप्लीट प्रोसेस में, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट आपको बैठना पड़ता है। एंड बढ़ते हैं कि मैंने कैसे केयर किया कि मेरे बाल ऑलमोस्ट 1 साल तक स्ट्रेट रहे। अभी भी मेरे बाल स्ट्रेट हैं, अभी ये यहाँ तक के बाल तो मेरे नॉर्मल जो मेरे खुद के हेयर ग्रो होते हैं वो हैं, और ये वाले बाल मेरे स्ट्रेट हैं, क्योंकि वो स्मूथनिंग का मैंने इसको कराने के बाद 2-3 बार कट कर लिया अपने हेयर को। तो मेरे बाल स्ट्रेट कैसे रह गए थे, क्योंकि आप जब भी स्मूथनिंग कराओगे गाइज, आपको पार्लर वाले खुद सजेस्ट करेंगे कि आप कुछ वैसे केमिकल ट्रीटमेंट वाले ही शैम्पू यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं यूज़ करती थी। मैंने यूज़ किया था ये मैट्रिक्स का, ऑप्टिकेयर का शैम्पू, आप लोग जनरली करेंगे एक्सटेंशो या फिर मैट्रिक्स का, मतलब लॉरियल का एक्सटेंशो करेंगे या फिर मैट्रिक्स का करेंगे। मैंने मैट्रिक्स का प्रीफर किया था क्योंकि मैंने उसके रिव्यू देखे थे, नायका पे से मैंने लिया था ऑनलाइन। ऑनलाइन लेने के बाद मैंने उसके सारे रिव्यू पढ़े थे कि किसका क्या होता है हेयर फॉल वगैरह, और मेरे में तो एक और इशू था कि बोलते हैं जब बेबी बोलता है तो बाल वगैरह झड़ते हैं, तो मेरा तो वैसे ही झड़ रहा था बाल, और ऊपर से मैंने ट्रीटमेंट करा लिया था। तो मैंने शैम्पू को यूज़ किया इसको, एंड मैंने इसी के साथ मैट्रिक्स के कंडीशनर को भी यूज़ किया था। कंडीशनर अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने उसको यूज़ कर लिया और मैंने उसको फेंक दिया। ये मेरा एक ही बॉटल है जो मैंने अपने स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कराया था, उसके दूसरे दिन मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी पूछूंगी अभी कराऊं कि नहीं कराऊं। फिर मैंने कराया, फिर मैंने को लगा कि नहीं करा लो। फिर मैंने फर्स्ट वॉश जो होता है स्मूथनिंग के बाद, मैंने वो किया था अपने पार्लर में ही, स्पा लिया था मैंने अपना, और स्पा लेना ज़रूरी भी होता है। मेरी स्मूथनिंग पे तो बाल स्ट्रेट हो गए थे, लेकिन जब मैंने स्पा लिया तब तो मुझे एकदम अपने बालों से प्यार हो गया था, तब मुझे लगता था यार नहीं कोई नहीं छुओ, तो लेकिन तब थोड़ी सी ठंडी समर और विंटर का कॉम्बिनेशन था, तो मतलब मुझे उतनी गर्मी नहीं लगी थी, एंड मुझे कुछ उतना ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं करना पड़ता था, तो मैं थोड़ा बहुत रहती थी। लड्डू का बस टेक केयर करना पड़ता था मुझे, जो भी टाइम उसमें लगता था।
तो बस मैंने आई मैं, फिर मैंने ये शैम्पू ऑर्डर किया, शैम्पू के साथ ही मैंने कंडीशनर और उसका मास्क ऑर्डर किया, हेयर मास्क। तो हेयर मास्क के लिए मैं यूज़ करती हूँ मैट्रिक्स का नहीं, एक्सटेंसो का यूज़ करती हूँ। और ये गाइस कोई वो प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ये जनरली मैं जो यूज़ करती हूँ वो है। तो ये मैं एक्सटेंशो का यूज़ करती थी, आप लोग को दिख पा रहा होगा, तो ये एक्सटेंशो केयर का मैं यूज़ करती थी। एंड गाइस लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नकली बेचते होते हैं, तो आप जेन्युइन चीज़ों को लो और किसी ऑनलाइन साइट या फिर कोई पार्लर जो सर्टिफाइड पार्लर होते हैं आप वहीं से ये सारी चीज़ें लो, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे अपना नाम ख़राब करना। एंड कभी भी स्मूथनिंग आप लोग कराओ तो ऐसा नहीं कि जान पहचान वाले हैं तो सस्ते में कर देंगे तो आप करा लो, नहीं, थोड़े पैसे तो लगते हैं यार, आपके बाल इतने स्ट्रेट होने वाले हैं, आप सुंदर भी लगोगे, ब्यूटी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करोगे आप, तो आपको थोड़े से पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और अगर आपके 1-2 हज़ार कम होने पे अगर आपके कोई नॉन पार्लर वाले बोले कि हाँ हम लोग तो इतने में ही कर देंगे, तो आई सजेस्ट कि मत जाना वहाँ पे, क्योंकि थोड़े से पैसों की वजह से आपकी ट्रीटमेंट ख़राब भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये पार्लर है ही अच्छा तो गो फॉर इट। मैं तो उसमें गई थी, मैं जाती भी थी उस पार्लर में, बट मैं बहुत कम जाती होती थी, लेकिन मुझे पता था मेरे होम टाउन में सिर्फ वही एक पार्लर था जहाँ पे होता था, तो मुझे तो उसने कॉस्ट किया था नियर अबाउट 8,000। एंड मेरे बाल तब थोड़े लंबे भी थे, उसने काट भी दिया, मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन क्या कर सकती थी। फिर जब स्ट्रेट कर दिया मेरे बाल, स्मूथनिंग किया, उसके बाद से मेरे बाल और लंबे ही दिख रहे थे। फिर मैं आई घर पे, फिर आई तो घर पे तो सारे मजाक उड़ा रहे थे, बट मैंने ये प्रोडक्ट आने के बाद ही ऑर्डर कर दिया था। एंड फिर उसके बाद से मैं यूज़ करती हूँ एक सीरम जब भी मैं हेयर वॉश यूज़ करती हूँ। एंड गाइस मैं बताना चाहूँगी जब आप कंडीशनर और मास्क कैसे यूज़ करना होता है। कंडीशनर आपको, जब भी आप कंडीशनर यूज़ करते हो, शैम्पू करके कंडीशनर यूज़ करते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी एक बारी आप कंडीशनर यूज़ करो और एक बारी आप मास्क यूज़ करो, मतलब एक बारी ये मास्क और एक बारी आप कंडीशनर, आपके ऊपर चॉइस है। आप तीनों प्रोडक्ट अगर एक्सटेंशो का लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट मैंने मैट्रिक्स के शैम्पू और कंडीशनर लिए थे एंड मास्क मैंने एक्सटेंशो का लिया था, क्योंकि हेयर फॉल का मुझे उतना इशू हुआ नहीं। एंड देन फिर मैंने लिया था ये सीरम, जो कि ये भी मैट्रिक्स का ही है, मैट्रिक्स में नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं, ये ऑप्टिक केयर का है, तो सॉरी मैंने लिया था मैट्रिक्स ऑप्टिक केयर का सीरम भी, जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, अभी भी मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं ये शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं। एंड इस डब्बे को मैंने ट्राई कर लिया, मतलब इस शैम्पू को मैंने ट्राई कर लिया, 1 साल हो चुके हैं और अब ये ख़त्म हो चुका है। ये 1 लीटर का शैम्पू है और मुझे कंप्लीट 1 ईयर ये पूरा मैं जम के यूज़ की हूँ इसको। एंड सीरम मेरा अभी भी है क्योंकि मैंने बहुत सीरम को आप लिमिटेड ही यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके यूज़ करना होता है, स्कैल्प में नहीं लगाते हैं, नीचे ही लगाना होता है आपको, जो भी लोअर पोर्शन होता है आपके हेयर के। तो स्मूथनिंग के बाद तो मैंने इतना ही यही किया। एंड ऑयलिंग नहीं करनी होती है आपको कुछ दिन तक। मैंने फर्स्ट वॉश तक अपने बाल को खुले रखा था, थोड़ा भी केयर करो तो यहाँ ईयर के पास तो आ ही जाता है ये मार्क जो आता है, बट मुझे भी आ गया था, थोड़ा सा आया था, क्योंकि वो मैं ज़्यादा ऐसे बाल लेकर के बच्चे को नहीं देख सकती ना, तो थोड़े बहुत बाल मुझे खोसने पड़ते थे, लेकिन उतना भी नहीं आया था, थोड़ा सा एकदम बेंड दिखता है एंड नॉर्मल बाल स्ट्रेट ही रहते हैं। तो मैंने जिस पार्लर से कराया था वहाँ तो 1 साल तक मेरा बाल स्ट्रेट रहा, अभी तक रहा। अब मैं स्विच कर चुकी हूँ दूसरे शैम्पूज पे जो कि नॉर्मल शैम्पू हैं, क्योंकि अब मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं स्मूथनिंग कराऊंगी या रिबॉन्डिंग, बस एक बार शौक में मैंने करा लिया एंड दैट्स इट, अब मैं उसके आगे नहीं कराऊंगी। अभी तक तो ऐसा ही मूड है कि नहीं कराऊंगी, लेट्स सी कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बस मैंने इतने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं अपने बाल में, 3 से 4। एंड प्रॉपर केयर ये होता है कि आप ज़्यादा शैम्पू ना करें वीक में, आप टॉवल से जब आप वो बाल को सुखाते हो तो वो करना बेकार होता है क्योंकि आपके हेयर फॉल होंगे। आप नॉर्मली टॉवल को टाई कर लो थोड़े देर के लिए, और मुझे करना पड़ता था तो मैं कॉटन का ही कुछ लेती थी कपड़े, ताकि लड्डू को ठंड ना लगे, एंड ठंड से प्रिवेंट करने के लिए मैं थोड़े बहुत टाई करके रखती थी। अदरवाइज़ आपको बाल को ऐसे ऐसे करके नहीं सुखाना होता है। एंड ज़्यादा उसके बाद से कुछ हेयर ट्रीटमेंट ना लें, मतलब कि कलर आप कराना चाहते हो तो आप करा लो, आपकी चॉइस है, आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है आपकी चॉइस है, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं यार मत लो अभी, तुरंत तुरंत इतना केमिकल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत हार्ड केमिकल्स होते हैं जो आपके हेयर को ब्रेक करके वापस से स्ट्रेट करते हैं, बॉन्डिंग दूसरी बनती है। बट मैंने जब स्मूथनिंग कराया मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मेरा बाल का थोड़ा सा वेट आ गया था, उसमें उन लोगों ने प्रोटीन वगैरह जो भी डाला था। तो फाइनली दिस वाज द ऑल कंप्लीट अबाउट इफ़ यू डू योर स्मूथनिंग, हाउ शुड यू केयर एंड व्हाट प्रोडक्ट यू शुड यूज़।
I won't suggest you should use what I have used for myself. So I'm suggesting that only. And if you have liked the video, please like it, comment on it and share it and subscribe my channel. And this is not a beauty channel or something a promotional video, I would again say. तो मैं किसी भी shampoo या product का यहाँ पे promotion नहीं कर रही हूँ. तो मैं normally अपना जो मैंने use किया है वो मेरे पास है. And दैट्स इट. और मैं जो बोल रही हूँ कि शैम्पू ख़त्म हो चुकी है, तो शैम्पू इसकी ख़त्म हो चुकी है. मैंने इसको यूज़ किया है अभी तक एंड सकते हैं कि यूज़ करके मैंने इसको ख़त्म कर दिया है. तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है क्योंकि ये मैंने यूज़ कर लिया है प्रॉपर अपने लिए. एंड मास्क भी मेरा 1 ईयर के करीब चला है. इसमें थोड़ा सा मास्क है, थोड़ा सा ही है एकदम, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है अभी कुछ टाइम के लिए. बट मैं मास्क सीरम वगैरह तो यूज़ करूँगी ही. शैम्पू और कंडीशनर मैंने स्विच किया है. तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. आप लोग भी हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए. टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस जैसे आप लोगों ने अभी तक किया है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच.